एज कोई भी हो, एंटरटेनमेंट का तड़का लगना तो तय है। और अब ओटीटी के जमाने में एंटरटेनमेंट ढूंढना कितना आसान है ये बताने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि इस हफ्ते आप कौन कौन सी सीरीज और फिल्म्स का मजा ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूँ आपके साथ आंचल सनोरिया। इस वीक क्रिसमस की छुट्टियों में फुल एंटरटेनमेंट के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ओटीटी पर एक से बढ़कर एक फिल्में और वेब सीरीज आने वाली हैं। इसमें पहला नंबर आता है सोनी लिव की सीरीज काठमांडू कनेक्शन सीजन 2 का। काठमांडू कनेक्शन सीजन 2 आ गया है और एक बार फिर से सभी को हैरान करने वाला है। 23 दिसंबर यानी कि आज सोनी लिव पर रिलीज हो चुका है। आपको बता दें ये सोनी लिव की सबसे फेमस वेब सीरीज में से एक है। इस सीरीज में भरपूर एक्शन थ्रिल ड्रामा आपको देखने मिलेगा। इस सीरीज के फर्स्ट सीजन को लोगों ने बहुत पसंद किया। इस सीरीज में आपको अमित सियाल, गोपाल दत्त, अक्षय परदास ने आपको देखने मिलेंगे। दोस्तों आगे चलते हैं, सेकंड नंबर है इस लिस्ट में द टीचर का। अमाला पॉल की मलयालम फिल्म द टीचर नेटफ्लिक्स पर 23 दिसंबर यानी कि आज रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में अमाला पॉल एक ऐसी वुमन का रोल प्ले कर रही हैं जिसका एक वीडियो वायरल हो जाता है और उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि वुमन एम्पावरमेंट को दिखाने वाली ये कहानी आपका दिल जीत लेगी। आपको बता दें मलयालम डायरेक्टर विवेक ने इसे डायरेक्ट किया है और अमाला पॉल के अलावा आपको इस सीरीज में हकीम शाहजहां, चैम्बर विनोद, जोस एंड अनुमोल दिखाई देंगे। बात करें अगली सीरीज की तो उसका नाम है पिक्चर्स। अपने दूसरे सीजन के साथ एक बार फिर से तैयार है टीवीएफ की फेमस सीरीज पिक्चर्स, जो आज रिलीज हो रही है और इसे आप Z5 पर इजीली देख सकते हैं। क्रिसमस का सही सरप्राइज तो ये है यार, इस बार आपको इस सीरीज में कुछ नए फेसेस देखने मिलेंगे। इसके अलावा आपको बता दें शार्क टैंक के जज रह चुके अश्नीर ग्रोवर भी इस बात की जानकारी दे चुके हैं कि इस बार पिक्चर्स के सीजन 2 में वो भी काम करते हुए नजर आने वाले हैं। तो मजा तो डबल है, बात में कोई शक नहीं है। अगला नंबर है तारा वर्सेस बिलाल का। अगर आप रोमांटिक स्टोरीज को पसंद करते हैं तो ये फिल्म आप ही के लिए है। आज हर्षवर्धन राणे और सोनिया राठी स्टारर तारा वर्सेस बिलाल ओटीटी पर आने वाली है। आप इसे 23 दिसंबर यानी कि आज से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें आपको बिलाल और तारा की वो लव स्टोरी दिखाई देगी जिसमें इमोशन है, प्यार है, गुस्सा है और नफरत से लेकर सब कुछ दिखने को मिलेगा। आपको बता दें कि फिल्म का निर्देशन समर इकबाल ने किया है, जबकि इसे भूषण कुमार की टी सीरीज की जॉन अब्राहम की कंपनी ने प्रोड्यूस किया है। थोड़े प्यार और ढेर सारी नोकझोंक से भरी ये कहानी लोगों को बेहद पसंद आने वाली है। अगला नाम है राम सेतु का। अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस स्टारर फिल्म राम सेतु सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है और इसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज ही ये फिल्म Amazon Prime Video पर रिलीज हो रही है। अपनी कहानी से इस फिल्म ने हर किसी को प्रभावित किया था, लेकिन कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन में ये कुछ कमाल नहीं कर पाई थी, काफी पीछे रह गई थी। लेकिन अब ऐसे में मेकर्स ने राम सेतु को ओटीटी पर फ्री में रिलीज करने का फैसला किया है। दोस्तों अगला नंबर है एलिस इन बॉर्डरलैंड। एलिस इन बॉर्डरलैंड का दूसरा सीजन भी इस वीक नेटफ्लिक्स पर आने वाला है। ये एक जापानी सीरीज है जिसे हिंदी भाषा में भी स्ट्रीम किया जाएगा। आपको बता दें कि इसका फर्स्ट सीजन लोगों को बहुत पसंद आया था, उन्होंने उस सीजन को बहुत प्यार दिया था। यूनिक कंटेंट की वजह से नेटफ्लिक्स की सबसे पॉपुलर सीरीज में से एक सीरीज एक ये भी थी। अब ऐसे में जब सेकंड सीजन आ रहा है तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो अलग ही होनी है। अगला नंबर है स्ट्रेंज वर्ल्ड का। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आज कंप्यूटर एनिमेटेड साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म स्ट्रेंज वर्ल्ड भी स्ट्रीम होगी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे इंसान धरती के दिल को कमजोर बना रहा है। फिल्म स्ट्रेंज वर्ल्ड कहने को एक मनोरंजक कहानी है, पर वहीं अगर हम बात करें तो इसको एनिमेशन तरीके से काफी बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। लेकिन सोचने बैठे तो ये कहानी के भीतर भी एक कहानी है। स्ट्रेंज वर्ल्ड अजब दुनिया की एक गजब लोगों की कहानी है, लेकिन अजीब होते हुए भी दुनिया कुछ ना कुछ जानी पहचानी लगेगी। दोस्तों अगला नंबर है द विचर का। 25 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर द विचर ब्लड ओरिजिन भी रिलीज होने के लिए तैयार है। इस वेब सीरीज में टोटल 4 एपिसोड हैं, जिसमें से 25 दिसंबर को सिर्फ 2 ही एपिसोड रिलीज होंगे। गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह ही ये सीरीज भी एक किताब पर बेस्ड है। इस सीरीज के पहले सीजन में कुल 8 एपिसोड है। काला जादू, राजनीति, तलवारबाजी, खून, सेक्स, साजिश, इस सभी चीजों से भरी ये सीरीज लोगों को बेहद पसंद आई थी। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे फिल्मी बीट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।